फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाते हैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में, तो क्या होता है कि आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में उसे अपलोड करना रहता है। जो भी फाइल आप रजिस्टर करवाने वाले रहते हैं, चाहे आप सॉन्ग रजिस्टर करवा रहे हैं या फिर स्क्रिप्ट रजिस्टर करवा रहे हैं या सिनॉप्सिस रजिस्टर करवा रहे हैं, तो उसका पीडीएफ आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ता है जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करवाते हैं। तो बहुत सारे नए राइटर्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि क्या पेन से लिखी हुई स्क्रिप्ट को, जो वो कॉपी में लिखते हैं, उसे ऑनलाइन रजिस्टर करवाया जा सकता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या पेन से लिखी स्क्रिप्ट को अभी स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर कराया जा सकता है या नहीं। यानी अभी के समय में मैं ये बातें बता रहा हूँ कि अभी के समय में क्या आप पेन से लिखी हुई स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में। तो अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी मैं शॉर्ट वीडियोज डालता रहता हूँ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप ऑनलाइन स्क्रिप्ट को रजिस्टर कराते हैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में, तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उसे अपलोड करना रहता है। अब जब आप उसे कॉपी में लिखेंगे पेन से, तो बहुत सारे नए राइटर्स ये सोचते हैं कि क्या उसका फ़ोटो खींच करके और उसका पीडीएफ बना करके फिर उसे अपलोड किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो परेशानी आती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो फाइल साइज़ का लिमिट दिया गया है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन द्वारा, यानी जो अपलोड हम लोग डॉक्यूमेंट को करते हैं, चाहे आप सिनॉप्सिस रजिस्टर कर रहे हैं या फिर स्क्रिप्ट रजिस्टर कर रहे हैं या सॉन्ग रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो फाइल साइज़, मैक्सिमम फाइल साइज़ जो दिया गया है, जो हम लोग वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, वो है 10 MB। और 10 MB जो है वो अभी के समय में मान लीजिए कि बहुत ही कम है। अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट के मामले में तो चलिए अभी भी 10 MB बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर अब जब आप देखेंगे कि वर्ड का फाइल जो रहता है, आप वर्ड का फाइल चेक करेंगे तो एमएस वर्ड का जो फाइल साइज रहता है वो KB में रहता है, यानी बहुत ही कम रहता है, और इसीलिए वहाँ पर 10 MB उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। लेकिन जब आप फोटो खींच करके अपलोड करते हैं, तो आजकल आप देखेंगे कि स्मार्टफोन से एक से एक आ गए हैं। अगर आप पुराने किसी स्मार्टफोन से भी करते हैं तो भी आप 2, 3, 4, 5 फोटो खींचेंगे तो आपका 10 MB ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एक फ़ोटो आप मान के चलिए कम से कम 1 MB, 2 MB, 3 MB का तो होगा ही होगा। और अभी तो आप मान के चलिए कि आप कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं जो थोड़ा सा प्रोफेशनल क्वालिटी का रहता है, तो उसमें एक फ़ोटो की जो साइज़ रहती है वही 10 MB रहती है, 15 MB रहती है। इनफैक्ट मैं जो स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ उसमें मेरी जो फ़ोटोज़ रहती है वो एक फ़ोटो 15 MB की फाइल साइज़ बनाती है, तो उस हिसाब से फिर कैसे होगी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं कि फ़ोटो खींच करके अपलोड करना चाहते हैं तो वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नए राइटर सोचते थे कि शायद फ़ोटो खींच करके ऐसा हो जाए, और तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप अगर मान लीजिए सिनॉप्सिस रजिस्टर कराते हैं, तो सिनॉप्सिस आप फ़ोटो खींच करके जब रजिस्टर कराएंगे तो क्या होगा कि आजकल स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने एक सिस्टम भी बना दिया है कि वहाँ पर कंप्रेशन रेशियो जो है वो मैच होना चाहिए, यानी जो आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट करने का जो कंप्रेशन रेशियो होता है, जब कन्वर्ट होती है तो कंप्रेस होता है फाइल ना, तो वो जो फाइल कंप्रेस होता है तो उसका कंप्रेशन रेशियो जो है वो मैच होना चाहिए स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हम लोग करवाते हैं उसका जो सर्वर रहता है उसके द्वारा। तो वो जो है, अगर आप उसे फ़ोटो खींचेंगे या फिर स्कैन करेंगे तो वो सभी को वो नहीं करता है रजिस्टर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में ये सब काम नहीं आएगा। तो सीधी सादी बात अगर कही जाए तो अगर आप पेन से लिखी स्क्रिप्ट को ऑनलाइन रजिस्टर कराना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो बात यहीं पर आ जाती है कि आप फ़ोटो खींचेंगे तो आप अगर एक पेज की भी रजिस्टर कराएंगे तो भी तो वो जो कंपैटिबल नहीं रहेगा, जो आपका कंप्रेशन रेशियो है वो कंपैटिबल नहीं रहेगा, क्योंकि स्कैन किया हुआ या फिर फ़ोटो खींचा हुआ वो लोग वहाँ पर ले नहीं रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आपका जो मोबाइल का जो फाइल साइज़ रहेगा वही बहुत बड़ा रहेगा, आप उसे रजिस्टर कैसे करवाएंगे। अब अगर आप स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाने जाते हैं तो अगर आप फ़ोटो खींच कर रजिस्टर कराएंगे तो वो तो आपका बहुत बड़ा फाइल साइज़ बन जाएगा। मान के चलिए कि आप पर पेज अगर 2 MB भी पकड़ के चलेंगे तो भी फाइल साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पर फाइल साइज़ का लिमिट 10 MB ही है। तो इस हिसाब से आप पेन से लिखी स्क्रिप्ट को ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। आपको रजिस्टर करवाने के लिए जाना होगा स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के ऑफिस में, और खैर अभी COVID-19 के सिचुएशन में ऑफिस तो बंद है, जब ऑफिस खुलेगी तभी आप वहां पर जाकर के स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिए जो प्रोफेशनल हो,
जो फ्री हो वो आप मत यूज़ कीजिए, क्योंकि फ्री वाले में फिर वही प्रॉब्लम आएगी, कंप्रेशन रेशियो मैच नहीं करेगा। तो जो भी फ्री स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है उसे आप यूज़ मत कीजिए, और जो प्रोफेशनल है जैसे फाइनल ड्राफ्ट आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप फाइनल ड्राफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फाइनल ड्राफ्ट बहुत ही महंगी सॉफ्टवेयर है, लगभग 15,000 उसका कॉस्ट है, तो फाइनल ड्राफ्ट अगर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप एमएस वर्ड में उसे लिखिए, एमएस वर्ड में भी आप उसे लिख सकते हैं, तो उसमें अगर आप लिखेंगे तो भी आपका फाइल जो है वो बहुत आसानी से रजिस्टर हो जाएगा स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में। तो आप जो है फ़ोटो खींच करके स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर नहीं करा पाएंगे, यानी पेन से लिखी स्क्रिप्ट को आप स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर नहीं करा पाएंगे। आपको उसे टाइप करना होगा लैपटॉप या कंप्यूटर में, और फिर उसे आपको PDF में कन्वर्ट करके फिर वहाँ अपलोड करना होगा और फिर रजिस्टर करवाना होगा। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है, और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेज बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।